हाय गाइस, इस डाइटिशियन नेहा कोहली और आज का वीडियो है अबाउट कैल्शियम की कमी बॉडी में होना कि कैल्शियम की कमी से बॉडी में कौन कौन से ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उससे बचने के लिए आपको कौन कौन से ऐसे कैल्शियम रिच फूड लेने चाहिए वो मैं बताऊंगी आपको। मोस्टली क्या होता है फीमेल्स में कैल्शियम की कमी होने की वजह से फीमेल्स को ओवियम एक्टिवेशन के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर उनको ओस्टोपोरियोसिस यानी कि बोन्स की जो होल्स होते हैं उसमें बोन्स में होल्स स्टार्ट हो जाते हैं या फिर ओस्टोपेनिया यानी कि बोन की जो डेंसिटी होती है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है या फिर हाइपोकैल्शियमिया यानी कि कैल्शियम का जो कमी होने लग जाती है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि अगर आप डेली रूटीन में अपने खाने में कैल्शियम का इंटेक जो है बहुत ही कम ले रहे हो या फिर बिल्कुल भी नहीं ले रहे हो या तो हेरिडिटी भी होती है या फिर आप हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है वो। तो मोस्टली जो रिस्क फैक्टर्स में आते हैं वो मोस्टली फीमेल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू मेल्स। मेल्स को थोड़ा कम ये कैल्शियम की दिक्कत होती है अकॉर्डिंग टू फीमेल्स। आफ्टर 30 मेनोपॉज के बाद जो फीमेल्स होते हैं उनको हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिनसे उनकी बोन की डेंसिटी या फिर हाइपोकैल्शियमिया की दिक्कत हो जाती है। तो इसी से बचने के लिए मैं आज आपको बहुत सारे कैल्शियम रिच फूड बताऊंगी और उसमें कितने आपको ग्राम्स में पर 100 ग्राम्स में आपको कितनी mg आपको जो कैल्शियम है वो मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम जो मोस्टली फूड्स में होते हैं जैसे कि आपका मिल्क है, तो मिल्क भी आप काव या बेफलो मिल्क नहीं स्किम मिल्क जिसमें पर 100 ग्राम में आपको 1370 मिलीग्राम के अकॉर्डिंग आपको कैल्शियम मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम होता है मिल्क में वो भी स्किम मिल्क जो होता है उसमें। नेक्स्ट होते हैं डेयरी रिच प्रोडक्ट्स, आप ले सकते हैं जैसे कि पनीर है या फिर दही है वो ले सकते हैं। और सेसमे सीड सबसे बेस्ट होते हैं कैल्शियम रिच, बहुत ही हेल्दी है तो आप वो अपने डाइट में इंक्लूड करो। रात को सोने से पहले 1 घंटे पहले आप 1 गिलास दूध में सेसमे सीड को आप मिक्स करके ले लीजिए जो कि आपकी कैल्शियम की कमी को दूर करेगा। नेक्स्ट है आपका रागी जो कि बहुत हाईएस्ट रिच कैल्शियम होता है इसमें पर 100 ग्राम के अकॉर्डिंग आपका 344 मिलीग्राम तक आपको कैल्शियम मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा सोयाबीन या सोया प्रोटीन होता है, टोफू होता है तो आप वो ले सकते हैं, वो भी कैल्शियम रिच हैं। या फिर कॉर्न फ्लेक्स है जो कि फोर्टिफाइड फॉर्म में होना चाहिए आपका, आप वो ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं बताऊंगी आपके फ्रूट्स जो जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। सबसे पहले ड्राइड एप्रिकॉट यानी कि जो सूखे हुए खुमानी होती है आप वो ले सकते हो जो कि उसमें विटामिन ए रिच होता है प्लस बोन के हेल्थ के लिए या बोन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप वो ले लीजिए। नेक्स्ट आपके डेट्स होते हैं, 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम आप उसमें आपको मिल जाएगा प्लस फिक्स यानी कि अंजीर आप ले सकते हैं, सूखे हुए अंजीर होते हैं आप उसको दूध में मिला के आप रात को सोते टाइम पे भी ले सकते हैं ठीक। और इसके साथ साथ ऑरेंजेस होते हैं तो आप ऑरेंजेस भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम, मतलब सबसे ज़्यादा कैल्शियम किस में होता है, जैसे कि वेजिटेबल्स में आपके कॉलीफ्लावर्स आता है तो कॉलीफ्लावर्स में भी कैल्शियम होता है। इसके साथ साथ आप उसके जो पत्ते होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है तो आप वो इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें 626 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम आपको मिलेगा पर 100 ग्राम के अकॉर्डिंग। या तो आप पीस है, मटर है, बीन्स है या फिर आप बादाम है आप वो अपने डाइट में इंक्लूड करिए। या ब्राज़ीलियन नट होता है जो कि थायराइड के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, जिनको थायराइड है तो आप सुबह उसको सिंपल एक जो ब्राज़ीलियन नट होता है आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहता है थायराइड पेशेंट के लिए भी और कैल्शियम रिच भी रहता है तो आप वो इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में। नेक्स्ट है आपका ब्लैक स्ट्रैप मोलासेस, आप इसको मिड मॉर्निंग के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, 1 चम्मच आप दूध में मिला के या पानी में मिला के आप वो ऐसे ले सकते हैं
कैल्शियम रिच भी है प्लस आयरन रिच भी है, जिनको पीरियड्स में मेंसेस में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है और इनिशियल डेज में आप ले सकते हैं जब पीरियड्स आपको हो रहे होते हैं आप उस टाइम पे ले सकते हैं। किनुआ बहुत ही अच्छा कैल्शियम रिच सोर्स है, आप वो इंक्लूड करिए। सनफ्लावर सीड्स है, एम्ब्रेंथ यानी कि चुलाई होता है, आप चुलाई की सब्ज़ी बना सकते हैं। एम्ब्रेंथ का चीला यानी कि एम्ब्रेंथ के जो सीड्स होते हैं उसका चीला आप बना सकते हैं। चिया सीड्स हैं, फाइबर रिच हैं ये, प्लस डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ज्वार है, बाजरा है, इसमें 42 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम आपको अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है अरवी का साग, यानी कि अरवी के जो पत्ते होते हैं उसकी भी आप सब्ज़ी बना सकते हैं। उसमें भी कैल्शियम आपको 460 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम मिलेगा पर 100 ग्राम के अकॉर्डिंग। 100 ग्राम में आपको 460 मिलीग्राम आपको कैल्शियम मिलेगा। तो ये सारे जो थे आपके कैल्शियम रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और सीड्स थे। नेक्स्ट मैं बताऊंगी सी फूड, या फिर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेजिटेरियन में अगर सी फूड्स आप खाते हैं तो क्रैब्स, मोस्टली वेस्ट बंगाल के साइड में लोग खाते हैं क्रैब्स, तो उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो पर 100 ग्राम 100 ग्राम के अकॉर्डिंग आप 1606 मिलीग्राम ऑफ आप कैल्शियम आप ले सकते हैं। अगर आप क्रैब्स नहीं लेते तो आप रोहू मछली जो होती है, रोहू फिश, उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। आपको 100 ग्राम में आपको 650 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम आपको मिलेगा बॉडी के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और फिश ऑयल भी आपकी जो स्किन है वो ग्लो के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट है आपके जो नॉर्मल टिप्स होते हैं कैल्शियम को मतलब अपनी बॉडी में मेंटेन रखने के लिए, वो फर्स्ट टिप्स है जैसे कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करिए, या फिर आप नेक्स्ट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो कि वेजिटेरियन हैं आप राजमा ले सकते हैं, तूर दाल है, अरहर दाल है, मोस्टली पल्सेस आप इंक्लूड कर सकते हैं, फिश, एग, टोफू अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। स्नैक्स में कैल्शियम रिच जैसे कि तिल के लड्डू होते हैं आप वो ले सकते हैं, या फिर ब्राज़ीलियन नट आपके लिए बहुत ही सही है। आलमंड्स 3 से 4 आप रात को भिगो के रखिए, सुबह ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा अपनी जो कैफीन रिच है जैसे कि टी, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक, इसका इनटेक थोड़ा सा कम करना होता है। और जो भी आप मतलब अगर सैलेड वगैरह ले रहे हैं या फिर वेजिटेबल्स आप जो भी सब्जियां बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप सफ़ेद तिल या फिर काले तिल को थोड़ा सा अपने डाइट में इंक्लूड करिए, सैलेड में आप स्प्रिंकल करके ले सकते हैं, बहुत ही बेस्ट रिच है। रागी का चीला होता है, रागी की रोटी आप बना के ले सकते हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये सारे टिप्स थे और कैल्शियम रिच थे, तो आपको ये अपने डाइट में इंक्लूड करना है डेली रूटीन में और आपकी जो भी कैल्शियम की जो कमी है बॉडी में वो ठीक हो गई हो जाएगी। प्लस आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू।